Dear brothers and sisters, I have to stay here one more month as per the advice and direction given by the doctor. As regards to the APPSC fiasco, I would like to say that I have passed the ball to every one of you. Now ball is in everyone's courts and everyone's hand. It is for all of us to decide whether to shoot at chakka chauka or duck out. From the end of my side, I shall resume my step after being discharged. As of now, I am obligated to follow the instructions of doctor. Thank you. By Gyamar Padang. Whistleblowers APPSC fiasco. Mr. Gyamar Padam passed away today morning. Late. Gyamar Padang, APC aspirant, B. Tech, A. in civil engineering, जिसने APPSC एग्जाम पेपर लीकेज स्कीम का खुलासा किया ईयर 2022 में। लेट ग्यामर पैडांग का आवाज को शुरुआत से दबाने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन किसी का दबाव का कुछ असर उन पर नहीं हो रहा था। अंत में जब उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और उसमें कामयाबी मिली तो APPSC पूरी तरह से हिल चुका था और अरुणाचल प्रदेश का पूरा डिस्ट्रिक्ट से एप्स युवा एस्पिरेंट आहिस्ता आहिस्ता उनसे जोड़ने लगा और देखते देखते एक क्रांति में बदल गया। चारों ओर से उसका समर्थन में युवा एस्पिरेंट, महिला, बच्चा, माता पिता, सीनियर सिटीजन, सोशल वर्कर, महिला शक्ति आदि जोड़ने लगा। इस बीच में ग्यामर पैडांग का तबीयत बिगड़ने लगा और उसे बाहर हैदराबाद जिला का एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रेफर किया गया। इसी दौरान उसका बीमार इतना गंभीर हो गई कि वो उससे उबार नहीं पाए और उधर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। आज वो हम सब का बीच नहीं है, फिर भी उसने जो जंग शुरू किया करप्शन के खिलाफ वो जारी है और चलता रहेगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि मेरा यह चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करो, लेकिन कृपा करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी का पास यह वीडियो पहुंच जाए, ताकि हर कोई ग्यामर पैडांग का सैक्रिफाइस को जाने और सभी एक कदम भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ बराए। धन्यवाद। इतना ज्यादा प्यार मिलेगा, ये तो हम सोचा नहीं था। इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है कि मतलब मेरा कुछ बात ही नहीं बोल सक रहा है हमको। अभी मेरा ये जो लेफ्ट साइड में जो नर्व से ये आर्टिफिशियल है, तो पहले भी थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल था, अभी पूरा ये 90% आर्टिफिशियल है। हम तो सोचा था कि मतलब इस बार तो बचेगा नहीं हम, तो हमने तो इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मेरा भाई बहन और मेरा माँ पिताजी, मेरा दोस्त लोग और सारा इंटायर अरुणाचल जो इतना प्यार दिया कि मुझे बचा लिया। तो इसमें हम एक चीज़ इस पर हम देखा है कि पैसा जो होता है ना, पैसा जो पैसा से बरकर भी प्यार जो होता है, इसको हम इस पर देखा ही दिया है। जो 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 अभी हमको आप लोग जो प्यार दे रहा है, ये हम करोड़ों रुपया से भी खरीदा नहीं जा सकता है, ऐसा है। जो इसमें मतलब उसका कुछ ये भी ये ही नहीं है, मतलब उसको कुछ भी चीज़ से खरीदा नहीं जा सकता। आप लोग का जो प्यार है ना, खास करके आप लोग मीडिया फ्रेंड्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो आप लोग का प्यार देख के मेरा जो धन्यवाद वाला वार्ड जो है ना, दिस इज ऑल्सो नॉट एनफ। तो मेरा भाई बहन को और हम अभी ऐसा करेगा, जो केस इशू है उसको हम अभी उसके थोड़ा अच्छा से स्टडी करने का, बट आप लोग को हम कल दोबारा मिलेगा, हम ऐसा सोच रहे हैं। तो इसलिए हम अभी जस्ट थोड़ा आप लोग को पहुंचने के लिए रूप से थोड़ा दिखा दिया, उसके बाद हम बाकी का बात जो कल हम आप लोगों को एक बार मिलेगा। एक्चुअली आप लोग जो बोलता है कि मुझे हीरो हीरो, एक्चुअली मेरा मेन मकसद है कि मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो सचमुच में मेहनत करते हैं, उसको हम हीरो बनाने का मेरा ये मेन मकसद है। हम मैं खुद हीरो बनने का बिल्कुल मेरा कुछ मकसद नहीं है, मैं हीरो है वो भी नहीं। हम जो जेन्युइन कैंडिडेट से जो डिजर्व करता है उसको हम हीरो का रूप में देखना चाहता है और आगे भी हम यही देखना चाहेंगे और कुछ नहीं है।